हम मिल रहे हैं कन्नन नौटियाल जी से, जिन्होंने अभी तक 18 साहित्यिक उपन्यास नॉवल कहानियाँ लिख चुके हैं और ये हमारा सौभाग्य कि हम उनसे साक्षात कर रहे हैं। नौटियाल जी, थोड़ा सा अपनी किताबों के बारे में जरा बताइए विस्तार से। देखिए, मेरी पुस्तकें जो हैं खासकर ये सामाजिक कुरीतियों पर हैं और ये उपन्यास और कहानी संग्रह हैं, उनमें से एक कविता संग्रह भी रहा है। मैं समझता हूँ कि समाज के हर बिंदु को उजागर करना, उनकी कुरीतियों को उजागर करना, उनकी विशेषताओं को उजागर करना, ये साहित्यकार का अपना एक फर्ज बनता है। उसको लेते हुए मैं खासकर प्रवृत्ति परिप्रेक्ष्य में मेरी ये पुस्तकें हैं, ये उपन्यास हैं, कहानी संग्रह हैं। और क्योंकि पर्वत तो वैसे भी देवभूमि कहा जाता है और वैसे भी स्वर्ग तुल्य लोग वहाँ वास करते हैं, जब स्वर्ग जैसे स्वर्ग में लोग रहते हैं, वहाँ के लोगों का जीवन, वहाँ के लोगों की सोच, वहाँ के लोगों का आदर्श, वहाँ के जीवन की जीवन शैली, वो इतनी मैं समझता हूँ कि इतनी साफ स्वच्छ और इतनी पवित्र होती है कि मन करता है कि इनके ऊपर किताबों के ऊपर किताबें लिखी जाए तो वो कमी होंगी। मैं इसी सवाल पे आ रहा था कि आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि आखिर आपने पर्वतीय क्षेत्र को ही क्यों चुना, जबकि एक आर्मी पर्सन से हैं, आर्मी पर्सन का एक एटीट्यूड वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसके बावजूद भी आपके अगर मैं अधिकतर सारे उपन्यास, ये कहानी संग्रह या अन्य पुस्तकें देखूँ तो पूरा उत्तराखंड पर ही फोकस है। इसमें दो राय नहीं, क्योंकि मैं जो पहाड़ हैं, ये हिमशिखर, ये डांडीकाठी, ये नदरी गदेरे, इससे मेरी आत्मा में बसते हैं। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की परंपरा, वहाँ के लोक गाथाएँ, ये सब मेरी आत्मा में वास करती हैं और मैं नहीं समझता कि वो कभी मेरे उससे बाहर हो पाएंगी अंतिम सांस तक। इस वास्ते मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हीं मान्यताओं में, उन्हीं सोच विचारों में, उन्हीं सामाजिक परंपराओं में जीव जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ आखिरी सांस तक। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आपकी जो अभी नया उपन्यास जो आपका आने वाला है, ये किस पृष्ठभूमि पे है और क्या आपको लगा कि ऐसा इस बारे में लिखा जाना चाहिए, जबकि घटनाएं तो उत्तराखंड के अंदर आए दिन, और अगर मैं पिछले 100 साल का जिक्र करूँ तो लगातार ही उथल पुथल का समय रहा है, वो दौर रहा है जिसमें कि सारे लोग प्रभावित हुए हैं। तो ये अपने नए उपन्यास जो आ रहा है, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जरूर बताएं। देखिए, पर्वतों का एक दुर्भाग्य रहा है कि वहाँ प्रकृति का प्रकोप वो अक्सर देखने को मिलता है, बट सबसे बड़ी बात पर्वतों की एक विशेषता ये है कि प्रकोप होते हुए भी, आपदा आते हुए भी, विनाश का एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा माहौल बनता है, ये होते हुए भी लोग वहाँ फिर भी बड़ा सुखी और बड़ा आनंदमय जीवन जीते हैं, बड़ा भ्रातृभाव से रहते हैं, देवताओं पे बड़ा विश्वास करते हैं और इसी बात से उसको देवभूमि कहा जाता है। मैंने एक उपन्यास अनुबंध लिखा था 2013 में, मुझे सौभाग्य मिला था कि मैं केदारनाथ में एक महीने लगभग 33 दिन मैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष था, तो जब ये आपदा आई थी तो मुझे एक माह वहाँ रहने का मौका मिला और मैंने वहाँ की त्रासदी अपनी आँखों से देखी, अपने आत्मा से मैंने उसको महसूस किया और देखा कि आपदा कितनी विकराल होती है, कितनी विनाशकारी होती है। तो मैंने उस पर एक खूबसूरत उपन्यास लिखा अनुबंध। अब जो उपन्यास मैंने मेरा अभी चल रहा है कि अंकुर जो कली न बन सके, वो उस घटना पे है जो अभी 7 फरवरी 2021 को तपोवन में जो एक त्रासदी आई थी, एक हिमखंड जो था वो रौंधी पर्वत से वो टूट कर बहा था और पूरे ऋषि गंगा और धौलीगंगा को बहाता हुआ सब कुछ अपने साथ ले गया। तो उसके ऊपर मैं एक दिन रैणी गांव, जो कि बड़ा ऐतिहासिक गांव है, गौरा देवी, जिससे बड़ी प्रसिद्ध जो अभी चिपका आंदोलन के, और उस गौरा देवी के गांव में मैं गया तो मैंने एक दिन देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे दिन के 2-2.5 बजे,
तो वो खेल रहे थे, तो मैंने उनमें से एक बच्चा था 7 साल का रहा होगा, मैंने उससे पूछा कि ये वक्त तो बच्चों पढ़ने और लिखने का है, ये खेलने का वक्त तो शाम को होता, तो मैं खिला करके गई थी और कहती थी कि मैं गाय बच्चों के लिए घास काटते जा रही हूँ जंगल में और मैं दोपहर में लौटूंगी और मैं तब तुम्हारे लिए दाल भात बना के तुम्हारे लिए दाल भात बनाऊँगी, मगर अभी तक मेरी माँ लौटी नहीं है, कितने दिन हो गए मैं अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो बात मेरी आत्मा को छू गई और मैं समझता हूँ कि मेरे आँखें जो थी वो नम हो गई उसकी बातें सुन करके, इतना हृदय मेरा विदारक एक घटना थी। तो मैंने कहा तो इतने दिन तक तो बहुत दिन हो गए, अब तक तो कह लेकिन मेरी माँ पहले भी तो जाती थी, जब मेरी नानी के गाँव जाती थी तो वहाँ भी 5-6 दिन रह करके आती थी, तो शायद अब भी मेरी माँ लौटेगी। उस बच्चे की मासूमियत, उस बच्चे का विश्वास, उस बच्चे का अपने मैं समझता हूँ कि उन कंदराओं में ये भावनाओं का उसका मुझे अंदर तक छू गया और मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक खूबसूरत उपन्यास इस आपदा के ऊपर लिखूँगा और मैंने ये अब उपन्यास ख़त्म किया है। एक लंबा उपन्यास बन पड़ा है 326 पेज का। तो मेरा मतलब ये था कि वो बच्चे जो अभी युवा थे, अभी बच्चे थे, खेल रहे थे, जो अभी थोड़ा पढ़ाई कर रहे थे, अपने अपनी शिक्षा का वो कर रहे थे, वो चलते चलते उनकी कई अरमान थे, उनकी कई अपने भविष्य के प्रति उनकी बड़ी आस्थाएं थी, बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी कल्पनाएं थी, बड़े सपने सजोए थे उन्होंने कि हम ऐसा बनेंगे बाद में बनने के बाद, और वही दुर्भाग्य ऐसा रहा कि आपदा आई और उनको वहाँ कर ले गई और वो अंकुर जो एक दिन खिलकर बड़ी खूबसूरत कली बन सकते थे, जिन कलियों पे बड़े खूबसूरत फूल खिलते वो फूल जो है महकते और पूरे विश्व को, पूरे क्षेत्र को वो सुगंधित करते, वो आज इस आपदा में बह गए। वो मैंने वो उस विषय को सुन करके ये एक पाठक के नाते हम कब तक उम्मीद करेंगे ये बुक जल्दी हम सबको मिले? देखिए अभी तो मैंने ख़त्म किया है उसको, मुझे लगता है कि 5-6 महीने का वक्त तो आपको मुझे देना ही होगा। एक लंबा बड़ा उपन्यास है और मैं समझता हूँ कि मैं उन वीर सपूतों को, उस धरती के उन लाडलों को समर्पित करूँगा जो कि उस दिन आपदा में अपने अरमानों के साथ, अपने सपनों के साथ बह गए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बराबर अपना लेखन कार्य जारी रखेंगे और फिर हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। आपसे इस अनुपम भेंट के लिए पुनः आपका आभार और हमारे साथी भी पवन जी बैठे हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार जिनकी वजह से हम आप सबसे मिले, पुनः आपका धन्यवाद करना। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।